हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक अच्छी प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर इंटरमीडिएट भी है, ये वीडियो पावर पैक्ड होने वाली है विद वैल्यूएबल लेसन। कुछ ना कुछ आप अच्छा इस वीडियो से सीख कर ही जाओगे। इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे EMA भी कहते हैं। तो उसका यूज़ करके कैसे हम प्रॉपर एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट्स एक्सेट्रा हम डिसाइड कर सकते हैं, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो स्विंग ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग, अगर आपको नहीं पता बेसिकली क्या होता है, तो मार्केट का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड या फ्लक्चुएशंस होता है, तो हम वो कैश करने की कोशिश करते हैं, जो चैनल का नाम भी है मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आइए डीप डाइव करते हैं इस वीडियो में, जानते हैं इस स्ट्रैटेजी के बारे में। तो स्ट्रैटेजी बताने के पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आइए जानते हैं। देखिए, आपने स्टॉक का जो फ्लक्चुएशंस देखा होगा, राइट, तो ऐसे ऐसे स्टॉक ऊपर नीचे जाता है। अगर हम कैंडल स्टिक की बात करें, जैसे मैं बताऊँ, तो आप ये देख सकते हैं कि कैंडल स्टिक्स के बारे में कैसे फॉर्म होते हैं, आपने देखा होगा, राइट, ऊपर नीचे ऐसे जाते हैं, ठीक है। तो एक ये कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन के बारे में। बट मूविंग एवरेज क्या होता है, इस जो फॉर्मेट है इसको और स्मूथ कर देता है, राइट। अगर हम आपको पता होगा कि हम ह्यूमंस को डेटा, या फिर अगर हम आपको एक्सेल शीट दिया जाए फुल ऑफ डेटा, बट उसके जगह पे आपको एक बार चार्ट दिया जाए, या फिर एक पाई चार्ट दिया जाए, तो आपको ग्राफिक्स से हमको ज़्यादा समझता है, राइट, हम ज़्यादा उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, राइट। तो मूविंग एवरेजेस वही काम करता है। वो क्या करता है कि हम एक बिगिनर है, हमको ये समझो कैंडल स्टिक नहीं समझ रहा है, फिर एक स्टॉक का ट्रेंड नहीं समझ रहा, तो मूविंग एवरेज क्या करता है कि इस ये जो फ्लक्चुएशंस है इसको वो स्मूथ कर देता है एक लाइन के फॉर्मेट में, ऐसा चलता है मूविंग एवरेज, राइट। तो जैसे हम इस वीडियो में 50-day मूविंग एवरेज यूज़ करने वाले, राइट। तो अगर आपको कैंडल स्टिक्स का बेसिक भी पता है कि जैसे ये अगर डाउन ट्रेंड कैंडल है, तो ये ओपन है, इसका ये हाई है, ये लो है, और ये क्लोज है, तो इसका क्लोज प्राइस, 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 या जो भी है। तो अगर आज हम यहाँ पे हैं, राइट, ये दिन पे है, तो मूविंग एवरेज क्या करेगा, यहाँ से लेकर लास्ट 50 डेज का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका एवरेज निकालेगा, जो भी प्राइस बनेगा, राइट। तो अगर अभी 600 है, तो ये समझो लास्ट 50 दिन का एवरेज बन रहा है 500 या 550 एग्जांपल, तो मूविंग एवरेज ऐसा स्लोप बनाएगा, राइट, जो भी है। तो मूविंग एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। और मूविंग एवरेज हम इंडिकेटर बहुत स्विंग ट्रेडर्स तो बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको प्राइस का चाहिए मोमेंटम, हमको मोमेंटम कैच करना है। तो स्टॉक का मोमेंटम कैच करने के लिए और स्टॉक को राइड करने के लिए एक मूविंग एवरेज बहुत हमको हेल्प करता है, तो इस वीडियो में हम वही जानेंगे। तो 50-day मूविंग एवरेज प्लॉट करने के बाद, क्योंकि हम कैश ट्रेडर हैं, हम स्विंग ट्रेडर, हम अपसाइड ही देखते हैं, राइट, तो हम उसका पहले तो चेक करेंगे स्लोप। स्लोप से हमको पता चलता है मार्केट ट्रेंड। अगर आप अभी स्लोप देखो, इसका कैसा था, ऐसा चल रहा है इसका स्लोप, राइट, तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ट्रेंड क्या है, नेगेटिव। अगर मैं कैंडल स्टिक्स को ऑफ भी कर दूं, राइट, कैंडल स्टिक्स को अगर मैं ऑफ भी कर दूं, तो भी मुझे इससे एक ट्रेंड पता चलेगा कि डाउन ट्रेंड चल रहा है स्टॉक में, राइट। तो जब अगर आप देखो अभी एक स्लोप, जब डाउन ट्रेंड आ, फिर स्लोप साइडवेज होने को आ गया, राइट, तो इससे हमें पता चल रहा है कि स्टॉक ने हॉल्ट ले लिया है, राइट, तो इससे हमें पता चल रहा है कि स्टॉक ने हॉल्ट ले लिया है, राइट। और अगर हम मैं फिर थोड़ा सा पिक्चर देखें, तो ये स्टॉक का स्लोप है वो ऊपर ऊपर जा रहा है, राइट, तो हमको ऐसे स्टॉक चाहिए जो उसका स्लोप ऊपर हो ऑलरेडी, राइट, ऐसे हमको स्टॉक चाहिए। हमको यहाँ पे बॉटम नहीं पकड़ना है, राइट, ना ही हमको बस ऐसे क्रॉस करे और लेना है और बैठे रहना है, नहीं नहीं नहीं, हमको चाहिए कि स्टॉक में प्रायर अप ट्रेंड हो या उसका स्लोप ऊपर हो, राइट। तो जैसे ही उसका स्लोप ऊपर होगा, हम फिर उसमें ढूंढेंगे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, राइट, हम पहले एंट्री पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कैसे करना है, आइए फर्स्ट जानते हैं। तो एक मुझे क्या दिख रहा है, फर्स्ट थिंग, एक इसका अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो एक स्लोप ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, और यहाँ पे स्टॉक ने 50 EMA को टच किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि टच किया वैसे ही लेना है, वो भी हमें नहीं करना है, हमें वेट करना है,
यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसने क्रॉस कर लिया, ठीक है। तो एक पहली स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि प्रायर अपट्रेंड जो था वो स्टॉक का, वो मुझे दिख रहा है अपट्रेंड स्लोप है, तो मैं क्या करूँगा, इसने 50 EMA को क्रॉस भी कर लिया बट इसने वापस 50 EMA को रिक्लेम कर दिया। ये कैंडल अगर आप देखें, मतलब 50 EMA के ये कैंडल क्लोज थी, इसके नीचे थी, बट ये कैंडल ने क्लोज दे दी 50 EMA के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रैटेजी हम ये फर्स्ट अप्लाई करेंगे कि हम जो है इस कैंडल के हाई पे बाय करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस कैंडल ने तो बहुत ही नीचे क्लोज दे दिया, बट हम कोशिश करेंगे इस कैंडल के हाई पे बाय करने की, यानी कैंडल का जो लो है हम वो स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसमें कि हम कैसे एंट्री एग्जिट करते हैं। यहाँ पे मेरा एंट्री है, ठीक है, यहाँ पे मेरा एग्जिट है, सिंपल, कुछ रॉकेट साइंस है राइट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं अभी स्टॉप लॉस देखूँ, मेरा स्टॉप लॉस तकरीबन आ रहा है 7.37% पकड़ के चलें, ठीक है। आपको अपना जर्नल मेंटेन करना है या फिर आप यहाँ पे आके लॉन्ग पोजीशन का एक इंडिकेटर मार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ये, ठीक है, ओके। तो अभी ये स्ट्रैटेजी क्या है, हम यूज़ करेंगे एक फिक्स कैपिटल, हम 1 लाख जैसे हमको डिप्लॉय करना है राइट, ठीक है। तो हम जैसे 1 लाख डिप्लॉय करने वाले हैं, तो 1 लाख पे हमारा रिस्क जो है वो 7% के हिसाब से बन रहा है अप्रॉक्स 7,000 रुपये, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, आपको अगर विन रेशियो आपका एज अ ट्रेडर बढ़ाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका जो आर मल्टीपल है वो आपको ज़्यादा कैच करना है, ठीक है। तो आपको अगर आपका ट्रेडिंग जर्नी में आपको प्रॉफिटेबल बनना है, तो आपको जो है आपका आर मल्टीपल ज़्यादा कैच करने होंगे। मैं आपको इसके पीछे का मैथ्स बताता हूँ राइट। समझो, अगर हम एक ट्रेड में 1 रुपीज़ लूज़ करते हैं, ठीक है, हम एक ट्रेड में 1 रुपया लूज़ करते हैं, बट अगर हम वही ट्रेड में या फिर नेक्स्ट ट्रेड में 3 रुपीज़ प्रॉफिट करते हैं, ठीक है, इसको मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में बताऊँ, वी लूज़ 1 रुपीज़, ठीक है, एंड जब हम विन करते हैं तो हम विन करते हैं 3 रुपीज़, ठीक है। तो हम इसमें क्या होगा कि अगर हम 10 ट्रेड भी लेते हैं, 10 ट्रेड्स, एंड 10 ट्रेड्स में से अगर मैं आपको बताऊं, हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं, 10 ट्रेड में से अगर आप बिगिनर हो, आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा नहीं है राइट, और मैं मानता हूँ बहुत ही बुरे से बुरा है, तो भी आप 7 ट्रेड्स लूज करोगे, ठीक है, एंड 3 ट्रेड्स आप विन करोगे। तो यहाँ पे आपको मैजिक बताता हूँ, आर मल्टीपल अगर आप ज़्यादा कैच करेंगे तो कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे राइट। तो 7 ट्रेड्स में अगर आप 1,000 का एवरेज लॉस माने, तो हम लूज करते हैं 7,000, 3 ट्रेड्स में हम विन करते हैं 1:3, हम विन करते हैं यहाँ पे 3 ट्रेड में 1:3, तो 3,000 के हिसाब से 3 ट्रेड के हो गए 9,000। सिर्फ 30% एक्यूरेसी से भी आप नेट ऑन नेट यू आर प्रॉफिटेबल, कितना आप कितने प्रॉफिटेबल हो, 2,000 रुपये, देख रहे हो आप कितना हुआ, 2,000। अभी मैजिक देखो, अगर समझो आप धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हो, आपका स्टॉक सिलेक्शन इंप्रूव हो रहा है, मार्केट ने भी सपोर्ट किया है, बुल मार्केट है जो भी, आप यहाँ पे अगर हमारा जो लूजिंग ट्रेड है वो कम हो जाता है, 6 हो जाता है, मतलब आप लूज कर रहे हो 6,000, मतलब आप 4 ट्रेड विन कर रहे हो राइट, 4 विनिंग ट्रेड, और हम 1:3 की बात कर रहे हैं, तो हम कितने विन कर रहे हैं, 4:3, 12। अब यहाँ पे कितना डिफरेंस है, सिर्फ 4 ट्रेड विन करने से आप 6,000 का डिफरेंस आ रहा है। आप जब सोचो, जब अच्छा मार्केट है या फिर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा हो जाएगा, जब ये 6 का हो जाएगा 5, 6 का हो जाएगा 4, शायद कभी कभी 2, अगर आप 8 ट्रेड जीतते हो और 2 ट्रेड लॉस में निकालते हो, इसमें आप विन करते हो 8×3=24, इसमें आप लूज़ करते हो 2,000,
कितना डिफरेंस है, देखिए कितना डिफरेंस है, 22,000 का डिफरेंस। आप देखिए, इसलिए आर मल्टीपल्स का कैच करना हाई बहुत ज़रूरी है। 1:1, 1:2 नहीं, 1:3 हमें एम करना है, राइट। तो हम इस स्ट्रैटेजी में क्या करेंगे, हम एम करेंगे, हमको 1:3 मिल जाए हम निकल जाएंगे, राइट। देखिए स्टॉप लॉस हमारा क्या था, हमने क्या रखी थी, ये हमारा एग्जिट पॉइंट था, ये हम सिर्फ मार्क कर देंगे 1:3, जहाँ पे आपको यहाँ दिखेगा 1:3, 1:2 जहाँ पे रोक देना है। तो 1:3 मेरा आ रहा है ये पॉइंट पे, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली स्टॉक डिपेंड ऑन मार्केट साइकिल्स कैसा है क्या है, तो स्टॉक कभी भाग जाए कभी नहीं भागे, बट हम वेट करेंगे, राइट। हम धीरे धीरे स्ट्रैटेजी को ये भी डेवलप करेंगे कैसे हम ट्रेल भी कर सकते हैं, बट एज अ बिगिनर मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। तो हम देखते हैं, देखते हैं 1:3 हमारा आ रहा है, यहाँ पे हम अलर्ट लगा सकते हैं प्राइस का, देखते हैं, राइट। तो इस स्ट्रैटेजी ने तो हमारा, आप देख सकते हैं कि कहाँ पे स्ट्रैटेजी ने हमको टारगेट दिया, नवंबर 20 से लेकर मई में स्ट्रैटेजी ने हमको जो है टारगेट अपने दिए। इसने क्या किया, बीच में एक रीटेस्ट भी मार दिया यही लेवल्स का। आप सिर्फ लेवल्स देखिए, अब यही लेवल्स का इसने रीटेस्ट करके अगेन मार दिया, तो राइट। हमारा एक फर्स्ट एंट्री बन रहा था यहाँ पे, जिसका हमको टारगेट मिला यहाँ पे, ठीक है। एक हमारा स्ट्रेटजी होगा, यस थोड़ा सा इसने टाइम ज़रूर लिया है मैं मानूंगा। आइए इसी ट्रेंड में हम एक स्ट्रेटजी और ढूंढते हैं, या फिर एक ट्रेंड और ढूंढते हैं। एंट्री कहाँ पे, ये हमको मिल गया, समझो आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया था, आप न्यू आपने चेस किया कि यहाँ पे कहीं मुझे अगेन दिख रहा है कि स्लोप है, अप ट्रेंड साइड में आ चुका है। अगेन क्या हुआ है कि स्टॉक ने नीचे फेक आउट ज़रूर दिया, बट अगेन पुश हो गया, राइट। अगेन पुश हो गया तो हम क्या करेंगे, एक मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट थिंग आपको एक स्ट्रैटेजी वो कैंडलस्टिक हो गई। सेकंड थिंग, जैसे ही 50 EMA के आसपास आया, हम एक पैटर्न का वेट करेंगे। हम क्या करेंगे, पैटर्न वेट, मुझे एक दिख रहा है यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, ठीक है। पर धीरे धीरे जैसे मैं चेस करूँ, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक अप ट्रेंड था, राइट। यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल रहा है, एक अच्छा एक बेस बनाया, और यहाँ पे स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया। तो आप 50 EMA के पास में एक कंसोलिडेशन भी ढूंढिए, ये हमारा सेकंड स्ट्रेटजी। हम क्या करेंगे, कंसोलिडेशन हमको यहाँ पे बहुत अच्छी मिली है। 50 EMA के नीचे पुश ज़रूर सेलर्स ने किया, बट अगेन बायर्स हैवी हो गए, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा बाय पॉइंट बन रहा है, और हम इसका स्विंग लो हम SL रखने की कोशिश करेंगे। स्विंग लो एक ये है, तो हम थोड़ा सा 50 EMA के नीचे इस पॉइंट पे रखने की कोशिश करेंगे। अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली है, ठीक है, हमने यहाँ पे एंट्री समझो ली है, तो स्विंग लो अगर ये लो पकड़े इस कैंडल का, तो अगेन आ रहा है 7.56 का स्टॉप लॉस, थोड़ा सा नीचे है। अगेन हम क्या करेंगे, 1:3 यहाँ पे रखेंगे, 1:3 हमारा आ रहा है अप्रॉक्स 236 पे। तो आप देख सकते हो कैसे ही सेकेंड स्ट्रैटेजी में कम ट्रेडिंग डेज में हमको मिल गया है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ, इस वाले में हमको टाइम क्यों लगा, क्योंकि स्टॉक एक रीसेंट ही अभी अभी अप ट्रेंड में आया है, राइट। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी का जो होना चाहिए वो ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पास्ट में जो बायर से सब लोग सेल कर रहे हैं, सप्लाई बहुत मिल रही है स्टॉक को। देखिए अब क्या मिल रहा है, सब सप्लाई, तो स्टॉक ने धीरे 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 वो सप्लाई को ऑब्जर्व किया, और जैसे ही सप्लाई ऑब्जर्व हुआ, राइट, पूरा ऑब्जर्व हो गया, यहाँ पे देखिए यह हमको जो सेकेंड एंट्री मिली थी, हार्डली हमको ये एंट्री से लेके ये तक, यहाँ तक हमको मिल रहा है 21 ट्रेडिंग डेज में मिल गया। यहाँ पे महीने महीने लग गए, यहाँ पे 21 दिन में हमको मिल गया, राइट। तो ये पावर होती है, जब सप्लाई पूरा अब्सॉर्ब हो जाता है, फिर जो ट्रेंड है वो बहुत अच्छे से मूव करता है, तो राइट। तो आप देखिए, हमें 1:3 यहाँ पे मिल गया ब्यूटीफुली। तो एक ही स्टॉक में हमको कितने बार एंट्री मिल जा रहा है, अगेन आप ये स्लोप देखिए। अभी हम क्या करते हैं, हम ट्रेडर्स, अरे BSE ऊपर जा रहा है, हम कहीं यहाँ ले लेते हैं, स्टॉक मूव ही नहीं करता है थोड़े टाइम, फिर थोड़ा सा मूव देता है, हम नहीं उसको पूरा होल्ड कर पाते हैं, अगेन हम बैठे रहते हैं, राइट।
तो अभी हमने पहली क्या बात की कि जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मिले फिर हमको कैंडल स्टिक देखनी है जिसने एक अच्छे से बेस को नीचे की तरफ ब्रेकआउट करके भी एक कैंडल स्टिक हमको मिली है जिसने एक रिवर्सल दिखाया फिर 50 EMA के ऊपर क्लोज किया। सेकंड हमने क्या देखा कि वो उसके रनअप के बाद भी अगर हमसे मिस हो तो अगेन हमको जब अपॉर्चुनिटी मिले तो हमको ढूंढना है एक पैटर्न। हमको यहाँ पे एक ब्रेकआउट पैटर्न मिला और यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट पैटर्न मिला, तो हमको सेकंड स्ट्रैटेजी में क्या यूज़ करना है, हमको ब्रेकआउट पैटर्न का या फिर पैटर्न का वेट करना है, चाहे वो बॉक्स बने ट्रायंगल बने जो भी आपका फेवरेट पैटर्न है। थर्ड हम क्या करेंगे इस स्ट्रैटेजी के बारे में, वो है पुल बैक। देखिए कोई भी स्टॉक ऐसे ही ऊपर नहीं जाता, राइट। मूविंग एवरेजेस का वन ऑफ द मेन फायदा यह है कि कोई भी स्टॉक धीरे धीरे आएगा तो धीरे धीरे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट भी लेने वो आता है अपने मेन प्राइस के ऊपर। अगर आप देखें तो इसने जब ट्रेंड ऊपर दिया अभी तक उसने पुल बैक नहीं दिया, यहाँ पे उसका आगे पुल बैक आया है और आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि 50 EMA के पास उसने पुल बैक दिया एंड अगेन यहाँ से नया ट्रेंड चालू किया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मुझे एक कैंडल यहाँ पे पुल बैक पे दिख रही ये वाली, तो मैं क्या करूँगा अगेन इसका हाई, यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है बाय द वे, इसका हाई एंड लो मैं मार्क कर लूँगा, राइट। बस क्यों, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड स्लोपिंग मुझे दिख रहा है। आप देख सकते हैं हम BSE के बारे में बात कर रहे हैं, क्या है एक स्ट्रॉन्ग स्लोप एंड आ गया रिट्रेसमेंट पे अपने मूविंग एवरेजेस के पास। मैं यहाँ पे लगा दूंगा अपना इंडिकेटर, ठीक है, स्टॉप लॉस और एंट्री है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं, आग बंद करके 1:3 पे टारगेट मार्क कर दूंगा। तो हमने जब एंट्री लेते ही हमको ये मार्क करना है और ये प्राइस पे अलर्ट लगा देना है। आप देख सकते हैं कि कैसे फास्ट, हार्डली कितना 11 दिन में या 10 दिन में हमको अपना टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है, राइट। हम यहाँ पे प्रॉपर बात कर रहे हैं आर मल्टीपल्स केस में, नॉट परसेंटेज केस में, राइट। अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, राइट। आप शायद ट्रेंड को राइड ना कर पाए, आप टॉप ना पकड़ पाए, ना हमको पकड़ना है, राइट। बट हम आर मल्टीपल्स केस में हम यूज़ करके कैसे हम एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। 1:3, आप सोचो आप 10 ट्रेड में से 5 1:3 पकड़े, राइट, तो 3 फायदा 15,000 और 5 लॉस भी हो, 5,000 लॉस, तो भी आप 10,000 प्रॉफिटेबल बनते हो। आपको याद रखना है 1:3, तो यहाँ पे 1:3 मिल गया। परसेंटेज में देखे तो 15%, स्टॉप लॉस अराउंड 5%, देखिए हो गया। तो एक ही स्टॉक में हमको मल्टीपल बार एंट्रीज मिलती है, कितने बार आप देखिए, राइट। यहाँ पे भी एक पुल बैक था, यहाँ पे भी आप ज़रूर मार्क करना ये कैंडल पे 1:3 मिलता है कि नहीं, देखते हैं, देख लेना। स्टॉप लॉस हिट होंगे, यस, और होने चाहिए, तभी तो कॉन्फिडेंस और आएगा धीरे 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 जब स्ट्रैटेजी में जब हमको आर मल्टीपल्स मिलते जाएंगे स्टॉप लॉसेस के बाद। देखिए अगेन यहाँ पे आया, यहाँ पे आप कैलकुलेट करना, यहाँ पे कहीं एंट्री लेके स्टॉप लॉस लेके, फिर इस ट्रेंड का क्या हुआ, स्लोप चेंज हो गया डाउन ट्रेंड, तो हम इसको नहीं पिकअप करेंगे। बट रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे भी पोस्ट किया था और अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने ब्रेक कर दिया 50 EMA को बहुत ही अच्छे कैंडल से, राइट, बहुत ही अच्छे कैंडल से ब्रेक कर दिया। हम यहाँ पे भी कर सकते थे एंट्री और मैंने पोस्ट भी की थी। यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस आ रहा है इसका, लो का अराउंड अगेन 7%, 1:3 मार्क करें हम, ये रहा 1:3 यहाँ पे, एग्जैक्टली अभी 1:3 पे आपको एक प्योर ट्रेड मिला है, राइट। बस तो हमको क्या करना है, 50 EMA का कैसे यूज़ करना है, फर्स्ट थिंग हमको चेक करना है कि इसका जो स्लोप है वो डाउन ट्रेंड नहीं होना चाहिए। डाउन ट्रेंड से अगर चेंज हो रहा है तो उसको चेंज होने दीजिए, एक स्लोप बनने दीजिए। एंड यहाँ पे हमको एक एंट्री मिली फर्स्ट, कि यहाँ पे एक फेकआउट दिया, शेकआउट दिया लोगों को, एंड यहाँ पे फिर उसने कैंडल ने क्लोज दिया, हम यहाँ पे 1:3 मार्क करेंगे। सेकंड हम क्या करेंगे, एक पैटर्न का वेट करेंगे, अगर इसने वापस एक ट्रेंड दिया था अगर वो भी मिस होता है तो हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट मार्क करेंगे। और मुझे यहाँ पे 50 EMA के आसपास ही एक पैटर्न दिख रहा है, आप ज़रूर उसको प्रैक्टिस करना, हम और स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। अगेन यहाँ पे एंट्री और ये स्टॉप लॉस जैसे हमने बात की थी 1:3 यहाँ पे मिल चुका है।
थर्ड टाइप की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी उसमें हमको क्या करना है, हमको यूज़ करना है पुल बैक्स। हमने क्या किया, पुल बैक्स का वेट किया एंड यहाँ पे हमको प्यारी सी एंट्री मिली एंड 1:3 तो अचीव हो ही गया, राइट। सो हाँ, आइए बात करते हैं दूसरे स्टॉक्स के बारे में कि किस में एंट्री कैसे बनती थी और कैसे हो सकती थी, राइट। तो हम बात करते हैं, कोई भी हम स्टॉक ले लें, डिनोरा ले लेते हैं। डिनोरा के बारे में बात करते हैं तो एक तो स्टॉक का एक स्टोरी ज़रूर देखते हैं, इसका थोड़ा लिक्विडिटी आई थिंक इशू है। तो हम दूसरा स्टॉक लेते हैं जो थोड़ा लिक्विड हो, आइए बात करते हैं फोर्स मोटर्स की, चाहिए तो ठीक है। फोर्स मोटर्स में अगर मैं देखूँ एक 2020 के तो जब स्टॉक आपको अभी दिखेंगे कि प्रॉपर मुझे स्लोप दिख रहा है, यस आपको स्लोप दिख रहा है, डाउन ट्रेंड का स्लोप दिख रहा है, ओके। हम क्या वेट करेंगे इसका चेंज होने का। अभी आपको क्या दिख रहे हैं, स्लोप यहाँ से फ्लैट हो चुका है, मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है या फिर हो सकता है, राइट, ऑलवेज प्रोबेबिलिटी। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे देखी कि यहाँ पे बहुत बड़ा अच्छा कैंडल बना, पुश मिला, अगेन यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स बने छोटे छोटे। तो एक मुझे एंट्री यहाँ पे दिखती है ये वाले ब्रेकआउट पे, और मैं 50 EMA के नीचे या फिर वो कैंडल के नीचे का SL ले सकता हूँ। तो एक मुझे एंट्री तो यहाँ पे मिल गई। एग्ज़िट मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एग्ज़िट स्विंग लो, ये जो स्विंग लो है ये कैंडल का, मैं ले सकता हूँ, राइट। यहाँ पे थोड़ा 50 EMA के नीचे मैं अगर मार्क करता हूँ 1:3 के लिए, तो मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है ऑलरेडी 5%, कुछ बहुत कम, और 1:3 मेरा बन रहा है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो उसके बाद भी स्टॉक बहुत ऊपर गया, राइट। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है, आपके पास नॉलेज है तो ये आप उसको राइड कर सकते हो, बट 1:3 आपको देखो 5 दिन में हार्डली आपको 1:3 मिल चुका है इस स्ट्रैटेजी से। हम आइए बात करते हैं नेक्स्ट। आपने समझो वो ट्रेंड मिस कर दिया, ट्रेंड स्लोप क्या है अप, देखिए ब्यूटीफुल रीटेस्ट, ब्यूटीफुल पैटर्न, ब्यूटीफुल यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है 50 EMA के ऊपर। हमारा काम है क्या, ये मुझे एक एंट्री पॉइंट दिख रहा है, राइट, यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट है, स्टॉप लॉस इसके थोड़ा सा नीचे, और मैं क्या करूँगा 1:3 मार्क करूँगा, जो कि बन रहा है तकरीबन यहाँ पे अप्रॉक्स, ठीक है 2.97 है मैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, अगर हमारा टारगेट हिट होते होते बच गया बस, अगेन रीटेस्ट, जिसने ये ट्रेड मिस किया है यहाँ पे एक ट्रेड मुझे बन रहा है, इतना ब्यूटीफुल है। आप देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ इसका स्टॉप लॉस, तो इसका तो 1:3 मुझे यहाँ पे हिट मिल चुका है, इसका भी 1:3 मुझे यहीं कहीं आराम से मिलेगा अगर मैं मार्क करूँ। आप देखिए आप इसको एज अ क्या यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत लोग बोलते हैं मैं एवरेजिंग कैसे करूं, अब यहाँ पे हम एक और एवरेज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पोजीशन है यहाँ की, हम इसका भी हम यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हैं। अगर हम न्यू ट्रेड भी लें तो मेरा 1:3 इसका यहाँ पे बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे एक एवरेज, यहाँ पे एक एवरेज, दो बार एवरेज करके या फिर दो अलग अलग ट्रेड्स करके, ये देखिए कैसे ब्यूटीफुली ये काम करता है। अगर हम आगे आए जिसने क्रॉस दे दिया यहाँ पे हिट कर सकते हैं। अगर मैं इसका स्टॉप लॉस मान भी लेता हूँ, हमने यहाँ पे तो कमा लिया ना 6,000 रुपये, 1:3 दो बार, डाउन ट्रेंड अगेन पैटर्न। आप देखिए सिर्फ वेट करना है आपको, क्या मिल रहा है, पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, अगेन यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है, ये मुझे यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है, स्टॉप लॉस मुझे आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। आप 1:3 क्या यहाँ पे 1:2 कितना मिल रहा है आप सोच भी नहीं सकते। देखिए यही ब्यूटी है इस पैटर्न की, इस स्ट्रैटेजी की। देखिए अगर हम मार्क करें 1:3 हमको कहाँ मिल रहा है, 1:3 यहाँ मिल रहा है, बट हमको एग्जिट करने का मौका ही नहीं दिया स्टॉक ने, और अभी हमको स्टॉक कितना दे रहा है 1:10, 1,000 लॉस करके 10,000 प्रॉफिट। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको टॉप पकड़ना है, आप 1:9 पे ट्रेल कीजिए, आप 1:8 पे ट्रेल कीजिए, राइट, वो टॉप नहीं पकड़ना है, बट अभी स्टॉक ने अभी तक एग्जिट नहीं दिया है, और इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके ज़रूर इसने टाइम ज़रूर यहाँ पे लिया, बट स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, राइट। हमारा एंट्री कहीं यहाँ बना था और हमको 44 डेज में, ट्रेडिंग डेज में 1:10 मिल रहा है,
देखिए स्ट्रैटेजी का पावर और कैश ट्रेडिंग में क्या है। हमको तो कुछ रोज ट्रेडिंग करना ही नहीं है, 44 डेज आपको बस सोना और उठना है। अगर पोजीशन बनाई ऐसे 3-4 पोजीशंस भी बना दिए, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप 10% एलोकेशन है, 15% एलोकेशन से आप जा सकते हैं। आप देखिए 1:10 मिल रहा है, 73% रिटर्न। अगर आप रिटर्न की बात करते हो और आर मल्टीपल्स के बारे में बात करें तो 1:10। मैं आपके सामने ऐसे 50-100 चार्ट्स खोल सकता हूँ जहाँ पे हमको एंट्री एग्जिट्स अच्छे मिले। यस, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि हमारे स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे। अगर मैं इसको भी एक मानूँ, ठीक है, इसको भी एक मानूँ कि इसने भी पुश दिया और यहाँ पे कैंडल क्लोज भी हुई, 1:3 जो भी है यहाँ पे नहीं मिला, हमारा SL हिट ज़रूर हुआ। बट अगर मेरा एक SL हिट हुआ तो मुझे 6,000 और यहाँ पे 10,000, मतलब 16,000 प्रॉफिट में और 1,000 लॉस से भी एक बार 15,000 तो मिल रहे हैं, राइट? ये है पावर स्विंग ट्रेडिंग की, ये है पावर इस 50-day EMA स्ट्रैटेजी की। अगर आपको स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है तो ज़रूर कमेंट करिए, राइट? तो और मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा पड़े और कॉन्फिडेंस आए। बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले ट्रेंड देखते हैं, डाउन ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड से निकलना होना चाहिए। फिर अगर मैं देखूं यहाँ पे डाउन ट्रेंड था ये स्टॉक, फिर धीरे धीरे ऊपर आ रहा था अप ट्रेंड की तरफ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अप ट्रेंड का वेट करेंगे या फिर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी का वेट करेंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि प्रॉपर एक अप ट्रेंड के बाद एक साइडवेज आने लगा, तो यहाँ पे मुझे एक ब्रेकआउट मार्क दिख रहा है, ज़रूर दिख रहा है। उसके पहले मैंने आपको क्या बोला, और आपको पैटर्न ढूंढना है, मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पैटर्न मिल गया। मैं क्लियरली क्या करूँगा, यहाँ पे एंट्री पॉइंट लूँगा और स्विंग लो के नीचे मैं एग्जिट रखूँगा। यहाँ पे थोड़ा SL बड़ा हो रहा है, 10-15% SL थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, ये कैंडल जो लेटेस्ट कैंडल है बड़ी वाली, उसका मैं स्विंग लो देखूँगा कितना आ रहा है। ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ, ये कैंडल का लो आ रहा है तकरीबन 9-10%, अगर हम पकड़े तो 10% भी चलेगा। एक बार हम 10% एलोकेशन भी करते हैं तो 1% ऑफ पोर्टफोलियो ही लूज करते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमको क्या करना है, बस यहाँ पे आना है, सीधा 1:3 मार्क करना है। अब देखिए 1:3 ऑलमोस्ट हो ही गया यहाँ पे, या चलो यहाँ से भी नहीं हुआ, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, तो यहाँ पे 1:3 हुआ, राइट? ये ब्यूटी है इस स्ट्रैटेजी की। अगेन हम देखें सेम चीज़ में 50 EMA के ऊपर ही है स्टॉक, यहाँ पे हमको अलग एक और ब्रेकआउट एंट्री मिल रही है। यहाँ पे भी अगर आपको एक्सटेंडेड लग रहा है, हम वेट करेंगे पुल बैक का, एक पुल बैक एंट्री यहाँ पे मिल गई, ये हो गया एक ट्रेंड। अगेन डाउन ट्रेंड या साइडवेज चल रहा है, अगेन स्लोप अप हो रहा है, स्लोप अप में मुझे यहाँ पे एक एंट्री दिख रही है, 1:3 आराम से यहाँ पे हिट हो ही चुका होगा, राइट? तो आप, मैंने और स्टॉक में आपको 100 स्टॉक भी दिखा दूँ। अभी आपका क्या काम है, आपको अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, 50 EMA मार्क करना है, और ट्विटर है हमारा ये, 50 EMA मार्क करना है। इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप 5 स्टॉक सिलेक्ट कीजिए आपके चॉइस के, और मुझे ट्विटर पे टैग कीजिए @Dhaval20 जन, वो 5 स्टॉक का क्या करेंगे आप, एंट्री पॉइंट मार्क करेंगे, जैसे ये एग्जिट पॉइंट्स मार्क करेंगे, राइट? और आप मुझे बताएंगे कि आपने कितने, आपको विनिंग ट्रेड्स मिले, कितने लूजिंग ट्रेड मिले, कितने 1:3 मिले, राइट? आप मुझे बताएंगे ऐसे मार्क करके 5 चार्ट सब मुझे भेजिए। टेलीग्राम चैनल पे मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है पे आप आएंगे, यहाँ पे डिस्कस ऑप्शन होगा अपना चैट ग्रुप में, वहाँ पे पोस्ट करना है, एंड ट्विटर पे भी आपको पोस्ट करना है 5 चार्ट्स और मुझे टैग करना है, राइट? अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई तो ज़रूर टैग करना। होप आपको ये पसंद आए। आपको क्या करना है, बस 5-10 स्टॉक्स में आपको बैक टेस्ट करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये नो लॉस स्ट्रैटेजी वो बोलते हैं ना वो चल रहा है, वैसा नहीं है, नो लॉस स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ नहीं होता है। बट मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि आपका 3-4 स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं तो भी 2-3 ट्रेड आपका वो कवर कर रहे थे। और डेनोरा जैसे ट्रेड्स में या एक्सिस किड्स जैसे ट्रेड्स में, राइट, इसमें अगर हम देखें एक्सिस किड्स जैसे ट्रेड में आपका, अगर मैं ये स्टॉप लॉस भी लूँ 13-10% का, तो आपको 1:10 100% मिल रहे हैं, राइट? तो यही मुझे कहना था, राइट? हो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपना टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मुझे चार्ट्स आप ग्रुप में ज़रूर भेजना और ट्विटर पे टैग करना @Dhaval20JN, एंड मैं वेट कर रहा हूँ आपके चार्ट्स का एंड कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।